हाय फ्रेंड्स, आज हम यूट्यूब के नए फीचर एंड स्क्रीन के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, ये स्क्रीन पर एंड स्क्रीन एंड एनोटेशंस नज़र आ रहा है, तो इसमें ये एंड स्क्रीन फीचर यूट्यूब ने अभी कुछ दिनों पहले ही लॉन्च किया है। तो ये आपके यूट्यूब वीडियो के एडिट में आप जाओगे, एडिट पर क्लिक करोगे तो ये फीचर आपको नया दिख जाएगा। तो ये फीचर क्या है और कैसे यूज़ करते हैं, आज हम इसकी जानकारी लेने वाले हैं। आइए देखते हैं। ये देखिए, ये वीडियो मैं प्ले करता हूँ, यहाँ से प्ले हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए जाएगा ये वीडियो, लास्ट ख़त्म होने आएगा। तो ये देखिए, ये पूरा चार बॉक्सेस शो कर रहे हैं। इसमें ये वीडियो है, ये भी एक वीडियो है, ये एक वीडियो है और ये एक वीडियो है। ऐसे चार बॉक्सेस ये नज़र आ रहे हैं और इसमें ये वीडियोस नज़र आ रहे हैं। तो ये फीचर एंड स्क्रीन फीचर है ये यूट्यूब का, इसी वजह से ये इस वीडियो में नज़र आ रहे हैं आपको। कैसे आप आपके वीडियो में भी एंड स्क्रीन का यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या फीचर्स हैं एंड स्क्रीन में, आज देखते हैं हम। तो लॉगिन आप जब करोगे अपने यूट्यूब चैनल पर, तो आपको माय चैनल में जाना है, माय चैनल पे क्लिक करना है। उसके बाद वीडियो मैनेजर में जाना है आपको, वीडियो मैनेजर पे क्लिक किया हमने। और जो जो वीडियो आपने अपलोड किए हैं, ये वीडियो मैनेजर में सारे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये वीडियो समझ लीजिए, इसमें हमें एंड स्क्रीन का यूज़ करना है। तो इसमें एडिट पे क्लिक करेंगे हम, एडिट पे क्लिक किया हमने। और एंड स्क्रीन पे अब हमें क्लिक करना है, एंड स्क्रीन एंड एनोटेशंस पे। अब देखिए, इस तरह से ये नज़र आएगा। आपने एंड स्क्रीन पर क्लिक किया तो ये देखिए, ऐड एलिमेंट्स एनोटेशंस का जो आपने ऑप्शन यूज़ किया होगा, तो उसी तरह से है, पर थोड़ा बहुत इसमें अलग, थोड़ा मतलब इम्प्रूवमेंट है। देखिए यहाँ पे ऐड एलिमेंट्स करके ऑप्शन है, तो इसमें मतलब आप वीडियो और प्लेलिस्ट ऐड कर सकते हो। सब्सक्राइब बटन आप आपके वीडियो में ऐड कर सकते हो, चैनल को प्रमोट कर सकते हो, और किसी आपका चैनल होगा तो वीडियो में आप एक बॉक्स में आप उसे ऐड कर सकते हो, मतलब प्रमोट कर सकते हो। और आपके वेबसाइट की अपलोड वेबसाइट की लिंक होगी, उसे भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो एंड स्क्रीन की मदद से। तो पहले तो हम देखिए ये वीडियो और प्लेलिस्ट ऐड करेंगे। तो समझ लीजिए, इसमें ये नहीं आपने ऐड किया, क्रिएट पे नहीं क्लिक किया, इनमें से तीनों में से सब्सक्राइब चैनल एंड लिंक में से किसी एक पर क्लिक किया, तो ये ऐसा एक देखिए एक शो करेगा। सब्सक्राइब पर देखिए इस तरह से नज़र आ रहा है, ये आपके चैनल का लोगो नज़र आ रहा है। और आप जब ये वीडियो देखोगे प्रीव्यू करके, तो देखिए किस तरह से नज़र आएगा, इस तरह से नज़र आएगा। और कोई भी यहाँ पे सब्सक्राइब करेगा, डायरेक्ट सब्सक्राइब हो जाएगा आपके वीडियो का। जब एंड आएगा, एंड पार्ट आएगा, तो कोई भी यहाँ पे ऐसा सब्सक्राइब कर सकता है आपको, चैनल को आपके। अब देखिए हम वीडियो और प्लेलिस्ट ऐड करते हैं। तो इसमें देखिए तीन ऑप्शन है, मोस्ट रिसेंट अपलोड, बेस्ट फॉर व्यूअर
चूज अ वीडियो और प्लेलिस्ट। तो आपको मतलब क्या करना है कि तीनों में से कोई चूज करना है, पर आपके लिए बेहतर क्या है, बेस्ट फॉर व्यूअर्स आप ऑप्शन रखते हो तो यूट्यूब क्या करेगा, जो व्यूअर की मतलब पसंद है उनके हिसाब से वो वीडियो शो करेगा आपके इस ऑप्शन के मदद से, बेस्ट फॉर व्यूअर्स। तो इस पर हम क्लिक करेंगे और क्रिएट एलिमेंट पे क्लिक कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे रेड कलर का ये दिख रहा है क्योंकि इसके पीछे सब्सक्राइब का ऑप्शन है, इसलिए ये रेड कलर इसमें साइड में दिख रहा है। तो एक एरर ही समझ लीजिए इसे। तो इसे हटा के थोड़ा यहाँ पर साइड में रख देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं। तो इस तरह से ये नज़र आएगा। अब हम प्रीव्यू करते हैं। सेव किया नहीं हमने, सॉरी। ये देखिए इस तरह से ये नज़र आ रहा है। अब समझ लीजिए आपको बेस्ट फॉर व्यूअर्स पे नहीं रखना है, तो मोस्ट रिसेंट जो आपके अपलोड है उस पर आप रख सकते हैं, मतलब जो आपने फ़िलहाल जो वीडियो नए अपलोड किए हैं तो वो मोस्ट रिसेंट वीडियो आपके अपलोड किए हुए वो यहाँ पे दिख जाएंगे। तो यहाँ पे समझ लीजिए आपने चूज़ अ वीडियो और प्लेलिस्ट भी कर सकते हैं, किसी वीडियो को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट ले लीजिए और ऐड कर दीजिए। तो एक वीडियो भी आप सिंगल ले सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट आपने बनाई होगी बहुत सारे वीडियोस की, तो यहाँ पे उसका भी एक ऑप्शन है। तो प्लेलिस्ट हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर आपको ये नहीं थोड़ा अच्छा लग रहा है तो यहाँ पे देखिए YouTube ने यूज़ टेम्पलेट का ऑप्शन दे दिया आपको। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से टेम्पलेट है ये बहुत सारे। आपने बहुत सारे वीडियोस में फिलहाल अभी लेटेस्ट देखे होंगे तो एंड में चार वीडियोस होते हैं शो करते हैं, तो आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे यूट्यूब पर, तो उनमें देखिए एंड कार्ड की मदद से इस तरह से चार वीडियो ऐड किए होते हैं। तो ये एक टेम्पलेट है बेहतर, इसे ऐड करेंगे हम यहाँ पे। देखिए इस तरह से नज़र आएगा ये। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वीडियो अनअवेलेबल, तो इसमें मतलब आपको वीडियो ऐड करना है, तो इस पर क्लिक करेंगे हम इस बॉक्स पे पहले वाले। तो ये ऐसा ऑप्शन खुल जाएगा, बेस्ट फॉर व्यूअर्स, मोस्ट रिसेंट अपलोड, चूज वीडियो और प्लेलिस्ट। तो जो भी आपको ठीक लगे, मैं बेस्ट व्यूअर पे रखता हूँ, बेस्ट फॉर व्यूअर, और सेव कर देता हूँ। तो ये मतलब टेम्पलेट था, तो पहले वाला हमारा ये बॉक्स हो गया, ऐड कर दिया हमने। तो यहाँ पे लिखाई दे रहा है वीडियो अनअवेलेबल, तो इस पर एक बार क्लिक कर दीजिए, इस तरह से नज़र आएगा। तो चूज़ और प्लेलिस्ट और वीडियो, तो ये पहला वीडियो या ये वीडियो में ऐड कर देता हूँ वहाँ पे। सेव हो गया। तो ये भी अनअवेलेबल दिखा रहा है क्योंकि ऐड नहीं किया है कुछ हमने, टेम्पलेट है वो, इसलिए वो उस तरह से नज़र आ रहा है। मोस्ट रिसेंट पे रखता हूँ मैं और सेव कर देता हूँ। ये भी हो गया। और ये चौथा वीडियो, चौथा बॉक्स, फोर्थ बॉक्स वीडियो अनअवेलेबल दिखा रहा है, तो इसमें भी हम जो आपके मर्ज़ी से आप ऐड करना चाहते हैं ऐड कर दीजिए। ये देखिए हो गया। अब हम सेव करेंगे। सेव करके हम वीडियो अब प्ले करते हैं डायरेक्ट यूट्यूब पर। अब देखिए यहाँ पर पहुँच जाएगा वीडियो थोड़ी देर
इस तरह से नज़र आएगा। देखिए ये चार बॉक्स इस तरह से नज़र आ रहे, तो ये ऑप्शन एंड स्क्रीन की वजह से ये सारे चारों वीडियो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह से आप एंड स्क्रीन का यूज़ कर सकते हैं। ये था एंड स्क्रीन वीडियो एडिटर का ट्यूटोरियल। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।